गाइस ब्लरलैंड की टीम अपने अगले मैचेस के लिए यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, जो कि उनका अगला मैच होने वाला है इस बार के क्राउन ज्वेल में। वैसे अब यहाँ पर रोमेज अकेले नहीं है, बल्कि उनके साथ यहाँ पर जिमी उसो और जे उसो भी उनके साथ हो चुके हैं। टीसी की टीम यहाँ पर आगे चलकर क्या करने वाली है सोलो सिकॉ के साथ, तो आगे की वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में। तो गाइस ब्लरलैंड का अगला स्टेप क्या होगा और क्या कुछ देखने को मिलेगा इस बार क्राउन ज्वेल में, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर रोज आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलता रहेगा चैनल। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के स्मैकडाउन समाप्त होने के बाद आखिर क्या कुछ देखने को मिला। तो इस स्मैकडाउन पे हमने देखा था कि यहाँ पर जिमी उसो, जे उसो और यहाँ पर रोमेज भी आकर यहाँ पर सोलो सिकॉ और उनकी पूरी टीम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर टामाटोआ और टामालोंगा अपने यहाँ पर टाइटल हार जाते हैं और यहाँ पर सोलो सिकॉ उनकी वजह से काफी नाराज भी हो जाते हैं। गाइस यहाँ पर सब कुछ होने के बाद जे उसो और जिमी उसो एक बार फिर से यहाँ पर गले मिल जाते हैं और ये देखकर यहाँ पर रोमेज को काफी खुशी होती है। फिर गाइस यहाँ पर स्मैकडाउन समाप्त होने के बाद रोमेज जाते हैं जे उसो को बोलते हैं, उनको कंग्रेचुलेशन करते हैं एक बार फिर से यहाँ पर ब्लड लाइन में वापस आने के लिए, और फिर तीनों यहाँ पर एक साथ हो जाते हैं जे उसो, जेमी उसो और रोमरेंज। तो पहले गाइस इस टीम को यहाँ पर ब्लड लाइन के नाम से जाना जाता था, उसके बाद यहाँ पर ओटीसी के नाम से जाना जाता, फिर उसके बाद यहाँ पर ओजी टीम के नाम से भी जाना गया है। वैसे इस समय इस टीम का नाम यहाँ पर ओजी टीम आप करके बुला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोमी ने एक नया नाम अपना रिवील किया है। तो गाइस हमने जो यहाँ पर बात किया ये था यहाँ पर इस स्मैकडाउन की रात, आप देखना ही होगा कि अगले स्मैकडाउन पे क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो गाइस इस बार के स्मैकडाउन पे यहाँ पर सोलो सिकॉ की टीम आएगी, जहाँ वो आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ब्लड लाइन को कॉल आउट करेंगे। तो गाइस आने के बाद इनके बीच यहाँ पर थोड़ा सा अटैक भी देखने को मिले, जिससे कि यहाँ पर रोमेज और यहाँ पर इनके बीच सोलो सिकॉ बीच थोड़ा सा फाइट भी देखने को मिले। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पर लास्ट में जाकर इनके बीच एक क्राउन ज्वेल में मैच देखने को मिले, जहाँ एक टीम होंगे यहाँ पर सोलो सिकॉ, उसके बाद जैको फातू और टामाटो और टामालो, और वहीं दूसरी तरफ होंगे रोमेज और रोमेज के कजिन ब्रदर जे उसो और जिमी उसो। वेल गाइस अभी तक यहाँ पर क्राउन ज्वेल के लिए सारे मैचेस ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं, अब देखना ये होगा क्या ये वाला भी मैच इस बार के क्राउन ज्वेल के लिए देखने को मिलता है या फिर नहीं। वैसे गैस आपको क्या लगता है इस बार के क्राउन ज्वेल में कौन विनर होगा, क्या यहाँ पर ओजी टीम होगी या फिर ब्लड लाइन टीम?